आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल जो रहेगा वो लिब्रे ऑफिस कैल्क पे रहेगा, स्प्रेडशीट पे। इसमें हमें क्या करना है, क्रिएट अ डेटाबेस इन कैल्क स्प्रेडशीट, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज एंड प्रिंट द टेबल एज पर फॉर्मेट बिलो। यानी कि आपको ऐसी ही टेबल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे बनानी है, फिर उसमें आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है और टोटल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे ओपन करेंगे स्प्रेडशीट को, और यहाँ पे टेबल बना लेंगे। टेबल जैसे उस फॉर्मेट पे दी गया है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। बनाने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है एंड टोटल वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि एवरेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओगे और एवरेज का फार्मूला अप्लाई यहाँ पे करोगे। एवरेज उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर कर दोगे, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज वैल्यू आप चाहो तो पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल भी आप सबकी अलग अलग निकाल सकते हो। ऐसे एरिया सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करिए, इस तरह से भी निकाल सकते हो, या आप चाहो तो अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा एक ही बार में सबका। फिर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल लिखने के बाद आपको दूसरे सेल में आना है, आपको यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे सम अप्लाई करोगे, जो आपका एडिशन करने का फॉर्मूला होता है वैल्यू को ऐड करने के लिए। वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। टोटल वैल्यू को आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, या ड्रैग करके ही आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए एक ही बार में, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल था। इसमें आपको एवरेज निकालना था और टोटल वैल्यू निकालना था एक शीट के, जो हमने निकाल के दे दिया है। दैट्स इट।